अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मेकअप करने जा रही हूँ और मेकअप विद फॉर ब्राइड्स यूनिवर्स ब्राइड्स के लिए ही मेकअप है। ये जब आपकी शादी होती है उसके बाद कोई रिसेंटली फंक्शन आता है, आपने कैसे तैयार होकर जाना है उस पर मेकअप करने लगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये पोर्सों से अपने पोर्स सारे मिनिमाइज हो जाएं और मेकअप की अच्छी फिनिशिंग आए। फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी हूँ, बेबी क्रीम है रिवल की जो मैंने अप्लाई की है और ये बहुत ही मज़े की फिनिशिंग देती है, कवरेज इसकी बहुत अच्छी है। मैंने कंसीलर भी अप्लाई कर दिया और मैं कंसीलर के साथ इसको ब्लेंड करने लगी हूँ और इसके साथ बहुत मज़े की ब्लेंडिंग आती है जब आप ये सब कुछ एक साथ लगा लेते हैं अपने फेस पे, और इसकी जो ब्लेंडिंग है ना बहुत नेचुरल आती है। मैं सारी फाउंडेशन अच्छी तरह ब्लेंड कर चुकी हूँ, कंटूर भी देखिए कितना नेचुरल आया है। अब इसके ऊपर जो है लूज कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना इसके साथ इसे डैब डैब करके ना इसको मैं, जैसे कि नज़र आ रही ऑयली है तो ऑयली बेस को बहुत ज़रूरी होता है कॉम्पैक्ट, ड्राई पे फिर भी वॉर्जन होता है कि आप इसको थोड़ा सा ना भी करें, हल्का सा भी कर लें, पर इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगता है तब इसकी फिनिशिंग आती है। और चेक करें, नोज़ कंट्रोलिंग करने लगी हूँ यहाँ पर। नोज़ कंट्रोलिंग जो है फिंगर की मदद से कर रही हूँ, इसके साथ फिनिशिंग बहुत मज़े की आती है। सारा कॉम्पैक्ट नोज़ कंट्रोल सब डन करने के बाद जो है मैं ये रेवोल्यूशन का जो बेक पाउडर है वाइट कलर में ये अपनी आईज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। एक तो इससे क्रीज लाइन नहीं बनती जो मैंने कंसीलर यूज़ किया उसकी वजह से भी, और दूसरा ये कि आई शेडो जब आईज मेकअप की तरफ जा रही हूँ तो आई शेडो कोई भी अप्लाई करेंगे तो वो आपकी बेस को तंग नहीं करेगा रिमूव होते हुए, आप उसको ईजिली ब्रश की मदद से डस्ट आउट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। और ये कंट्रोल लाइन को भी इन्हेंस करने के लिए बेस्ट है और ये बहुत एचडी लुक देता है, बहुत कमाल का मेक पाउडर है। स्टार्ट विद आई मेकअप, सबसे पहला जो स्टेप है आई मेकअप में वो है आईब्रोज का। आईब्रोज डन करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है उस ये है ब्रश। ब्रश की मदद से पहले फाउंडेशन के बाद अपनी आईब्रोज को नीट करें, उसके बाद उसको जो है ना किसी भी फिलर से, मीन जो भी आईब्रो आप यूज़ कर रहे हैं फिल करने के लिए, कोई भी किट यूज़ कर रहे हैं, मीन पैलेट यूज़ कर रहे हैं, उसके कलर यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट, आपने उसको सबसे पहले क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपकी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है, और कोई भी शेड लगा रहे हैं शेड भी लगाने के बाद भी आपने आईब्रोज डन कर ली बहुत नेचुरली डन हुई है। उसके बाद जो है पेंसिल भी अप्लाई करने के बाद जिसको ऐसे ऐसे मैंने ब्लेंड किया और ये ब्लेंडिंग के बाद बहुत ही नेचुरल लुक देती है। पेंसिल यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो आपके हाथों को टच नहीं होती, मीन आपके हाथों पे कलर नहीं लगता, वो बहुत ओरिजिनल नेचुरल लॉन्ग लास्टिंग होती है। डैट्स वाई आई एम यूजिंग पेंसिल आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल। सबसे पहले जो है ना मैं ये रेवोल्यूशन की पैलेट है ट्राइटन, और मैं इस पैलेट से ना ये ऑरेंज जो शेड है ना इसको यूज़ करने जा रही हूँ अपनी आई क्रीज के अपर साइड पर। इस तरह से मैंने शेड को अच्छी तरह मर्ज कर लिया, बहुत ही पिगमेंटेड बहुत ही मज़े के शेड्स हैं। और ये ऑरेंज शेड मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, थोड़ा सा मेरी ड्रेस के साथ भी जाता है ये। और अब हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ आज, अब जो मैं करने लगी हूँ ब्राउन शेड लिया मैंने, डार्क ब्राउन शेड लिया और मैं इसको आईज पे अप्लाई कर रही हूँ ऐसे आईज पे और थोड़ा सा क्रीज पे भी। ब्राउन शेड जिनसे मैंने कुछ इस तरह से मर्ज किया कि ऑरेंज और ये जो ब्राउन है ये भी मिक्स करके, ये भी इसकी फिनिशिंग बहुत मज़े की आ गई। थोड़ी सी एजिस पे किया अपनी सारी क्रीज के ऊपर किया, आई क्रीज के ऊपर, और ये देखें अब मैं सेंटर में यहाँ पे गोल्डन शेड अप्लाई करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं ये गोल्डन शेड अप्लाई कर चुकी हूँ और आईज के नीचे भी मैं ये ऑरेंज ब्राउन मिक्स करके जो अप्लाई किया। और अब जो मैं इनर आईज पे यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ जिस तरह से, अब आईलाइनर लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये
और यहाँ पे मैं ये लाइनर अप्लाई कर चुकी कुछ इस तरह से, और अब मैं जो नीचे लाइनर अप्लाई की इसको मैं ब्लेंड करने लगी हूँ ब्राउन शेड के साथ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं लैशेज अप्लाई कर चुकी हूँ। लैशेज अप्लाई करने के बाद जो मैं अपनी आईज के ऊपर ग्लिटर लगाऊंगी, पेस्ट ग्लिटर, अब मैं यहाँ पर मैक का जो है ब्लश ये यूज़ करने जा रही हूँ। अब ये कॉपर ग्लिटर है रिवाज का, लिक्विड ग्लिटर है, लाइनर है, ग्लिटर लाइनर, ये मैं अपनी आईज में इस लाइनर के साथ एक यहाँ पे अप्लाई करूँ लाइन, और एक ना मैं अपने वो हाइलाइटर लगा रही हूँ। मोस्ट फेवरेट पार्ट मुझे बहुत पसंद है, मैं लेंसेज अप्लाई कर चुकी हूँ। लेंसेज अप्लाई करने के बाद जो मेरा लास्ट स्टेप है मेकअप में वो है मस्कारे का। आईश मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है लोअर लैश पे, अपर लैश पे थोड़ा सा, ताकि एक लैशेज हैं उनसे वो मिक्सअप हो जाएँ और नेचुरल लुक आए, लैशेज की आर्टिफिशियल लुक ना आए, सेपरेट ना लगे। मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, लिपस्टिक न्यूड लगा रही हूँ। उसके सेंटर में जो आंसर है वो मेरून शेड, तो हेयर इज द फाइनल लुक। तो आज का लुक आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो नहीं लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन होते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल पे नहीं तो नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट लुक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।